Are you? That's enough. Put down the mic. Are you? That's enough. Put down the mic. CNN should be ashamed of itself having you working for them. Okay, just sit down, please. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीएनएन के पत्रकार जिम अकोस्टा के बीच तीखी बहस में अब डॉक्टर्ड वीडियो की भी एंट्री हो गई है। बुधवार की रात व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। सारा ने इस ट्वीट में लिखा कि हम इस व्यक्ति का हार्ट पास रद्द करने के फैसले पर कायम है। वीडियो में साफ दिख रहा है हम इस तरह के अनुचित व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वीडियो के जरिए सारा सैंडर्स ये बताना चाह रही थी कि ट्रंप से सवाल पूछते वक्त जिम अकोस्टा उग्र थे। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रंप की ओर से अकोस्टा को बैठने को कहने के बाद भी जब वह लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहे थे तभी व्हाइट हाउस की एक इंटर्न ने उनके हाथ से माइक छीनने की कोशिश की और अकोस्टा ने उसका हाथ झटक दिया। लेकिन असली वीडियो देखा जा सकता है कि अकोस्टा इंटर्न के अचानक से उठे हाथ को रोकने के लिए बस अपना हाथ हल्का सा उठाया है, जिसके बाद अकोस्टा ने इंटर्न को माफ करिए मैम भी कहा। जिसे सैंडर्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में शामिल नहीं किया गया है। आलोचकों का कहना है कि इस वीडियो में इसलिए छेड़छाड़ की गई है ताकि जिम अकोस्टा को एग्रेसिव दिखाकर राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। गौरतलब है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएनएन के सीनियर जर्नलिस्ट जिम अकोस्टा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रशियन इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे, जिसके बाद ट्रंप भड़क गए और उनसे माइक छीनने को कहा था। That's enough. Put down the mic. That's enough. Put down the mic. CNN should be ashamed of itself having you working for them. Okay, just sit down, please.